हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में, जो कि है कैल्शियम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैल्शियम क्या है, हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितनी कैल्शियम हमें पर डे लेनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्शियम क्या है। तो कैल्शियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे बहुत कम क्वांटिटी में नीड होती है। तो वैसे तो कैल्शियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और जितने भी हमारे बॉडी में मिनरल्स पाए जाते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कैल्शियम की पाई जाती है। हमारी जो बॉडी है उसके पूरे वेट का 1 से 2% कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है, और उस 1 से 2% का भी जो 90% हिस्सा है वो हमारी बोन्स और हमारे टीथ में पाया जाता है, और बाकी का जो 10% का हिस्सा है वो हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में, हमारी मसल्स में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या क्या हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम के फायदे होते हैं। तो आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाँ, कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे बोन्स और टीथ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को डेफिनेटली कैल्शियम हेल्दी करता है, लेकिन सिर्फ बोन्स और टीथ के लिए नहीं, कैल्शियम के और भी बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे कि कैल्शियम हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं या हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे पहले हमारी बॉडी हमारे माइंड को सिग्नल भेजती है, और जब हमारा माइंड वो सिग्नल एक्सेप्ट करता है उसके बाद ही हम वो एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजने का काम होता है वो कैल्शियम ही करता है। उसके अलावा कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग्स नहीं बनने देता, ब्लड को पतला रखता है, और साथ ही साथ हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखने का भी काम कैल्शियम ही करता है। अब बात करते हैं कि डेली बेसिस पे हमें कितनी कैल्शियम की नीड होती है। तो एक एडल्ट जिसकी एज 18+ है उसको 1000 mg से लेके 1300 mg तक कैल्शियम की नीड होती है, और जेंट्स के कंपैरिजन में जो लेडीज हैं उनको कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि लेडीज का जो बोन स्ट्रक्चर होता है ना वो जेंट्स के कंपैरेटिवली वीक होता है, तो इसलिए उनको कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है। अब जब हम अपनी डेली नीड के हिसाब से कम कैल्शियम का इंटेक करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा पार्ट हमारे कैल्शियम का हमारे टीथ और हमारे बोन्स में होता है, तो डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो भी सबसे पहले हमारे टीथ और हमारे बोन्स में ही होगी, क्योंकि हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है और बॉडी को अपने फंक्शंस को प्रॉपरली चलाने के लिए कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हमारे बोन्स से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देती है, और उसी की वजह से हमारे बोन्स जो हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारी मसल्स में हमें अकड़न फील होती है, हमारी बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, हमारी बोन्स की शेप चेंज होने लगती है, और हमारे टीथ्स में भी प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमें नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, नींद भी हमें प्रॉपरली नहीं आती, साथ ही साथ हमारे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, मूड डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको कैल्शियम की कमी की वजह से आ सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेडीज़ को कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो लेडीज़ के पीरियड्स होते हैं उनमें भी उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पेन उनको फील होता है और क्रैम्प्स उनको पड़ सकते हैं, वो सब भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से एक जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें क्या होता है, आपकी हड्डियाँ झड़ना शुरू हो जाती हैं और जो फ्रैक्चर की
संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसलिए कैल्शियम का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो मिल्क और मिल्क से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, दही है, वो सारे बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी ग्रीन लीव्स की वेजिटेबल्स होती हैं वो भी कैल्शियम रिच होती हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होते हैं। और उसके अलावा जो सफ़ेद कलर के फूड आइटम्स होते हैं ना, उनमें कैल्शियम पाया जाता है, जैसे मखाने हैं, शरीफा है, अंजीर है, तो ये सब चीज़ें कैल्शियम रिच होती हैं। तो आप इनसे अपनी बॉडी के कैल्शियम की नीड को पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है और आप अपनी डेफिशिएंसी को इन सब चीज़ों से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसको सिर्फ इनटेक करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका एब्जॉर्ब होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने कैल्शियम का इनटेक कर भी लिया और अगर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा और आपकी बॉडी को उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी को विटामिन डी की नीड होती है। तो विटामिन डी की कमी भी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है और आप कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपको उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो विटामिन डी का भी आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो विटामिन डी से रिलेटेड लेके आऊं, कि विटामिन डी से क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या फंक्शंस विटामिन डी के होते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।